हाय, हेलो, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो कॉस्ट ऑडिट के प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए, एंड आप किस तरीके से बाई सेल्फ कर सकते हो, या फिर आप अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो आपको कैसे करना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले बताऊँ, अगर जो स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं तो आप निखिल सर से आप क्लास ले सकते हो। मैंने भी निखिल सर से क्लासेस ली थी कॉस्ट ऑडिट का, तो आप अगर क्लास लेना चाहते हो तो निखिल सर से आप क्लास ले सकते हो। अदरवाइज अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ जो बाय सेल्फ करना चाहते हैं, जो क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई और रीजन हो सकता है उनका क्लास ना लेने का। तो मैं उनके लिए कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल करना चाहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है क्या स्टडी मटेरियल सफिशियंट है। कॉस्ट ऑडिट के पेपर में स्टडी मटेरियल सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल में बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर उतना क्वेश्चन सिर्फ आप करके जाओगे तो शायद एग्जाम में आप वन साइडेड हो। बिकॉज हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टडी मटेरियल स्कैनर भी लो साथ में, एंड देन MTP RTP आपके पास होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक भी दिया है तो आप वर्कबुक को भी आप रेफर करो, फर्स्ट ऑप्शन ये है आपके पास। इन सारे मटेरियल को आप यूज करो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप निखिल सर के बुक्स को ले लो एंड निखिल सर के आप हैंड रिटन नोट्स ले लो, देन आपको फिर कुछ और बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सफिशियंट है, निखिल सर के बुक एंड हैंड रिटन, एंड जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लास्ट अटेम्प्ट के सिर्फ MTP बना दो, तो इतना करके भी आप जा सकते हो। दो ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस किस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा स्किप करेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, किस किस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना चाहिए और किस पॉइंट पे आप स्किप कर सकते हो अगर आप बोथ रूप देने जा रहे हो। तो ऐसा कॉस्ट ऑडिट सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपके सामने आपका सिलेबस लेके आता हूँ कॉस्ट ऑडिट का। ये हमारा कॉस्ट ऑडिट का सिलेबस है, आप देख सकते हो इसमें ये लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट की। अब यहाँ पे हम सिलेबस पोर्शन पर आते हैं। देखो मैं आपको पहले बताऊं, यहाँ पे जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का वेटेज जाएगा, इसके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। इन छोटे वेटेज देती है लेकिन पूछती नहीं है इसके अकॉर्डिंग। कभी किसी से बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, कभी किसी से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा भी होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ, तो मैं कभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था इसके वेटेज के ऊपर। कहीं कहीं है कि हाँ जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेज है वहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अगर स्टडी नोट वन की बात करो तो बेसिक सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बट मैं आपको इसमें ये सजेस्ट दूंगा, जैसे कुछ पॉइंट्स है जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसका रिलेवेंस क्या है, ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज तो वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज इस स्टडी नोट पर अगर आप कम फोकस करो तो भी चलेगा। आप एक दो तीन बार आप अगर आपने जस्ट रीड कर लिया है तो काफ़ी है। यहाँ पे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो तीन बार जस्ट आप इस टॉपिक को आप रीड आउट कर लो, सफिशियंट है। स्टडी नोट टू की अगर मैं बात करूँ कंपनी कॉस्ट ऑडिट एंड रूल्स, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्टडी नोट को पढ़ने के बाद आप FAQs को आप डाउनलोड करो इंस्टीट्यूट के साइट पे। इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको FAQs मिल जाएगा कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, और जहाँ पे आपको 30 to 40 FAQs मिलेंगे। अगर आपको इस स्कैनर स्टडी मटेरियल के लास्ट में भी अगर आपको FAQs कुछ दिए गए हैं उसको भी आप रेफर करो, साथ में आप उसको डाउनलोड जरूर करना, बिकॉज वो FAQs मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए हैं, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं बचा होगा। FAQ में इसलिए बोल रहा हूँ आपको रेफर करने के लिए, बिकॉज इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा तो केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन आ सकता है कॉस्ट रिपोर्ट एंड ऑडिट 2014 से, और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी आए हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज अमेंडमेंट होने की वजह से कॉस्ट ऑडिट का स्कोप पहले से वाइड हुआ है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप इसे भी रेफर करो, साथ में आप FAQ को आप रेफर करो इसके साथ। तो ये स्टडी नोट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कॉस्ट ऑडिट ही इसी में कवर है, सारे कॉस्ट ऑडिट का बेस जिसको बोल सकते हैं ना वो ये है सेक्शन 148 एंड कॉस्ट ऑडिट रूल।
नेक्स्ट अगर आप पूछो कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस, तो ये कहीं ना कॉन्सेप्ट इंटर से ही ड्राइव हुआ है, बिकॉज आप सबने इंटर में अपने ऑडिट पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने अगर वाउचिंग वेरिफिकेशन ये सब नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज 2016 सिलेबस में काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया गया, 2012 सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना था ऑडिट में, तो इंटायर कॉन्सेप्ट अप्रोक्स कवर था जो आपके फाइनल के कॉस्ट ऑडिट में, तो मैंने सब कुछ पढ़ा था, तो मुझे मेरे पास वही नोट्स थे, उसी नोट्स को मैंने बस बार बार रिवाइज कर लिया था, मुझे रिविजन करने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा और याद करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो अब इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने इंटर में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो जस्ट आप इसको रीड आउट करो 2 to 3 times एंड उसके बेसिस पे आपका ये कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ कॉस्ट ऑडिट एंड प्रोफेशनल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पेनाल्टीज के ही आ सकते हैं और पेनाल्टीज के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में देखा जाए तो, कंपनी लॉ में भी नहीं आता है एंड इनकम टैक्स में भी नहीं आता है, तो यहाँ पे भी मुझे कम लगता है। तो यहाँ 2-4 number का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन गया तो वही बन सकता है, अदरवाइज ये कौन चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मैंने तो अपने टाइम में स्किप भी किया था इस चैप्टर को। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से 15 to 20 marks का सिलेबस कवर हो सकता है। अगर इसलिए अगर आप मेरे से पूछो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, ये 4 to 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1 to 10 के सीज में है, उसके बाद के जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकते। वहाँ पे 1-2 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और भी है जैसे रिपेयर से रिलेटेड, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो आप उसको आप रेफर कर सकते हो, बाकी सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल है। और काफ़ी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिपीटेड मिलेंगे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, डिस्क्लोजर सबका सेम होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्टिंग के रूल सबके सेम होते हैं, तो अगर आप मैच करोगे, अगर आपने निखिल सर का नोट्स होगा आपके पास तो आप देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि जो कॉन्सेप्ट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट 2 में भी है, मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम मिल जाएगा आपको, लास्ट के पॉइंट स्टार्टिंग के पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा, तो आपको बार बार चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रिंसिपल से जो हर एक जगह फॉलो होते हैं, तो आप उसको फाइंड आउट कर लो और उसको बस आप याद कर लो, बाकी जो डिफरेंसेज हैं उसको आप याद कर लो, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने इसी तरीके से किया था, मैंने प्रिंसिपल्स को एक्सरसाइज फाइंड आउट करके मैंने सेलेक्ट कर लिया था और मैंने उसको रिकॉल किया था, बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैंने जस्ट रीड आउट कर लिया था कि एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ प्रैक्टिकल जो है उस पर आप जरूर फोकस करना है, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 6, 4 में, बिकॉज 4 में अमेंडमेंट आया है, 4 पूरा चेंज हुआ है GST के आने के बाद से, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी अच्छे से करना है। 6, 7, 10 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे नाम इसका इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है 101, 3, 4 जो भी है उनके जस्ट आप नेम्स आप याद करो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं, फिल्म की ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच दी फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइलिंग ऑफ ये XBRL जस्ट आपको 1-2 बार रीड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 3-4 marks का क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे आ सकता है, XBRL के बेनिफिट्स क्या क्या है, होता क्या है, इसके फुल फॉर्म्स के भी ऊपर हो सकता है MCQ में आ जाए, तो आप इसको जस्ट 1-2 बार रीड आउट करो, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको एफर्ट सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स पे करना है, देन मैंने आपको बोला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे करना है एंड कॉस्ट ऑडिट के रूल्स पे करना है। ये जो मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं आपको इसमें कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊँ, जैसे इसमें तो आपको 2-3 times, 4 times, 5 times आपको रीड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज आप इसको याद नहीं कर सकते, बिकॉज टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड है, अगर आप याद करने बैठोगे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, तो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 2-4 times, 5 times रीड आउट कर लो मैनेजमेंट ऑडिट के इस पॉइंट को, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ वहाँ पे जरूर मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे आप कर सकते हो, बिकॉज मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मोस्टली जो आपको मिलेंगे ना कुछ प्रिंसिपल्स कॉमन मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ आप यहाँ पे आपने देखा होगा ये प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है,
ठीक है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, ओके, ऑडिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट चेक, डिफरेंशियल फंक्शंस, एनर्जी ऑडिट, कंज्यूमर सर्विस ऑडिट, तो इन सब के साथ भी आपको यही करना होगा, इन सबको भी आपको दो चार बार रीड करना होगा, बिकॉज ये सारे चीज़ें हैं जो 5 मार्क्स 10 मार्क्स तक का, मतलब अगर मैं आपको स्टडी नोट 8, स्टडी नोट 9 और स्टडी नोट 10 अगर ये बोलूँ, तो ये ऐसा स्टडी नोट है जिसको आप रट्टा नहीं मार सकते हो, जिसमें आप ट्रिक्स भी बहुत कम यूज कर पाओगे, तो आप इसको जस्ट आपको 2 बार 4 बार याद, मतलब जस्ट रीड करना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मालूम हो कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। जो स्टडी नोट 11 है वो बहुत ईजी है और आप उसको आराम से कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे आपने इंटरनल ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर्स आप देख रहे हो, इसको स्पेशल ऑडिट्स भी बोलते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, जैसे मैंने अपने टाइम में क्या किया था कि ऑडिट ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, या ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल हो गया, ऑडिट ऑफ स्कूल्स हो गए, तो इन सबको ना 5 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया था, बिकॉज 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 5 पॉइंट्स आपने याद कर रखे हैं तो आप किसी के भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड, मतलब अगर कोई ऑडिट हो रहा है, जैसे अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बताऊँ, तो पार्टनरशिप के फॉर्म के ऑडिट होने के पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, मतलब वो पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकंड थिंग, उसके मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेजर एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये 4 पॉइंट तो फिक्स है जो आपको हर एक ऑडिट में चेकआउट करना है, स्पेशल ऑडिट जो भी होंगे आपके पास, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के केस में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, अगर आप किसी सिनेमाघर की ऑडिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि उसने कोई कॉपीराइट एक्ट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है नहीं, उसके पास मूवी पब्लिश करने के राइट्स है कि नहीं, वो अगर आप होटल की ऑडिट करने जा रहे हो तो 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार किस कैटेगरी में वो होटल आता है, तो आप 4-5 पॉइंट तो आप उसको, ये जो मैंने जो 4 रूल आपको बताया वो तो फिक्स है, और लास्ट का क्या है, डिस्क्लोजर, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कंपल्सरी उनको डिस्क्लोज करने पड़ते होंगे, उसको आप जस्ट आप ले लो, अगर इस 5 पॉइंट में अगर आपने बाइफर्केट कर लिया है तो आप वो 26 या जो भी नंबर्स ऑफ ऑडिट्स आपको पढ़ने हो उस सबको आप आराम से आप याद कर सकते हो मेरे इस 5 रूल्स के अंदर, बाकी जस्ट आपको रीड आउट करना है, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल है और चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आती, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे जस्ट आप रीड आउट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट में, स्टडी नोट जो आपका 8 है 9 है और 10, इन्हें समझने में प्रॉब्लम होगा आपको, बिकॉज ना कहीं ना कहीं ये कभी आपने आपके रियल लाइफ में इन सब चीज़ों से आप नहीं मिले होंगे, तो यहाँ आपको दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है दिक्कतों का, बाकी ये बहुत ईजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है, स्पेशली रेशियो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रेशियो एनालिसिस के लिए ना आप सीएमए इंटरमीडिएट के भी आप वीडियोज को आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज मैंने क्या किया था अपने टाइम में रेशियो एनालिसिस का इंटरमीडिएट का वीडियोज एंड नोट्स को रेफर किया था, बिकॉज एग्जाम में होता क्या कि आपको एक बैलेंस शीट और पी एन एल अकाउंट दे दिया जाएगा, एंड देन आपको कुछ चीज़ें बोली जाएगी कि आप, जैसे मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था उसमें मेरे से पूछा गया था कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी के पास मतलब फंड्स हैं या नहीं है, आप किस तरीके से बता सकते हो, तो मैंने वो सारे रेशियो को वहाँ पे अप्लाई किया था जो कंपनी के लिक्विडिटी को बता सकती है, 5 to 6 रेशियोज को मैंने अप्लाई किया, देन सारे रेशियोज को मैंने कैलकुलेट किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये रेशियो स्टैंडर्ड है या फिर स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे मैंने अपने सारे ओपिनियंस को राइट डाउन किया, वो क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में अप्रोक्स 10-15 मार्क्स का, तो सेम लाइक दिस आपके भी एग्जाम में रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पॉइंट तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप स्किप करो, रेशियो एनालिसिस, बेस्ट मल्टीप्लायर, यूटिलिटीज कंजप्शन, वैल्यू एडिशन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टडी नोट 12 जो है आपको 100% कंप्लीट करना है, और यहाँ पे आप FAQs इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखा है, तो आप इस FAQs को भी आप देखो, और मेरे अकॉर्डिंग आपको उसको डाउनलोड करना चाहिए, हो सकता है कि कहीं कुछ डिफरेंस मिल जाए आपको, तो उसको आप फाइंड आउट कर लेना, एनेक्चर्स आप जस्ट एनेक्चर ये सब ना जस्ट आपको रीड आउट करना है, 1-2 बार रीड आउट कर लोगे सफिशियंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया स्टडी नोट 12 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टडी नोट, इसके अलावा ये पोर्शन तो आपका प्रैक्टिकल पॉइंट से लिंक है, तो यहाँ पे आपको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी,
ये पॉइंट तो आपको करना ही पड़ेगा, रीड आउट बार 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 बार, कि आपको चीजें समझ में आए कि आप एग्जाम में आप लिख सकते हो। और बाकी स्टडी नोट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप चीजें स्किप जो आप करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो स्किप। जैसे मैं अपने टाइम जो मैंने स्किप किया था वो मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने टाइम में जो मैनेजमेंट ऑडिट का ये जो पोर्शन था ये मैंने पूरा स्किप कर दिया था। ये जो हमारा स्टडी नोट 8 है, स्टडी नोट 8 को मैंने और 9 को मैंने पूरा स्किप किया था, बाकी सारे कुछ को मैंने कवर किया था, सिर्फ स्टडी नोट 8 और 9 को मैंने कम्प्लीट स्किप किया था। और शायद मेरा लक अच्छा था जो इस स्टडी नोट से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया मेरे, इसलिए मेरे 58 मार्क्स भी आ गए थे इसमें। तो उसके पीछे रीजन यही था कि मैंने जो स्किप किया वो मुझे, और मैंने बहुत रुक दिया था, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मैं रिवाइज करके नहीं गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, तो बट उस चीज़ को फिर भी मैंने एग्जाम में सॉल्व कर लिया था। वो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन सेम था जो मैं पहले भी मैंने सॉल्व कर रखा था, बस उन्होंने अमाउंट के फिगर को ना 3 से डिवाइड कर रखा था। मतलब जो फिगर मेरे बुक में अगर 3 लाख थी तो वहाँ पे 1 लाख थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने आंसर सारे याद थे, तो मैं कैलकुलेशन करता फिर मैं अपने आंसर को याद करता, तो मुझे आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, मेरा प्रोसेस सही चल रहा है। इस तरीके से मैंने करके कॉस्ट ऑडिट का मैंने पेपर पास आउट किया 58 मार्क्स ला के। तो थैंक्स, बाय। हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में, आपको किस तरीके से करना है, और मोस्टली मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास निखिल सर के नोट्स है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उनके नोट्स एंड बुक को कर लो, सफिशियंट है आपके लिए।